हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्लस टू क्लास चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड सम के बारे में देखें, सेम जिस तरह हमने फर्स्ट एंड सेकंड सम कवर किया है डिटेल से, उसी तरह थर्ड सम में भी कुछ वैसा ही है। चेक, आपने चेक करना है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो लास्ट वाला सम था, मतलब सेकंड सम था, उसमें हमें सेट दे रखा था आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का सेट दे रखा था, वहां पर ऑल रियल नंबर थे। ओके, लेकिन यहां पर जो सेट है उसमें जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ही है हमारे पास, इसके अलावा आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते। ओके, तो ये रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है बी इक्वल टू ए प्लस वन। जो हमारे पास बी है उसकी वैल्यू ए प्लस वन के इक्वल है, राइट। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। आपने ये दिखाना है कि जो हमारे पास रिलेशन बी इक्वल टू ए प्लस वन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांसिटिव है, या नहीं है। ओके, तो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर चेक करोगे कि ये कंडीशन है, जो ये जो रिलेशन है ये कंप्लीट होता है या नहीं होता है इन नंबर्स के लिए। ओके, तो ध्यान दें, फर्स्ट नंबर है मान लो 1 लेते हो आप लोग, 1 के लिए चेक करो। हाँ जी, टेबल सी बनाते हैं हम लोग, एक ध्यान देना। आपने क्या किया है, हाँ जी, तो ध्यान देना, यहां पर आपने क्या किया, ए की वैल्यू आपने सपोज की 1 ली है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 ली, तो हमारे पास इस तरह जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यस, बी की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर हम लोग, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, पहले तो ये देखो कि रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होता है, ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा। ओके, तो ध्यान दो, यहां पर आपने क्या फिल किया है, यहां पर आपने ए की वैल्यू 1 फिल की है, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, ए के ही इक्वल है, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या है इस केस में, इक्वल है। यहां पर मैं राइट कर देता हूं, ए इक्वल टू बी, अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहां मैं b ही राइट करता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, हमारे पास कंडीशन क्या है, b इक्वल टू a प्लस 1, रिफ्लेक्सिव वाले केस में a और b इक्वल आएगा। अगर मैंने a की वैल्यू 1 ली है तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1, दैट विल बी 2। ओके, तो यहां पर होना क्या चाहिए था, यहां पर a और b की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी, ठीक है, तो यहां पर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है। वेदर a इक्वल टू b, नो, यहां पर a और b इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके लिए a और b इक्वल हो जाएंगे। मान लो आपने यहां 2 फिल की a की वैल्यू, a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, 2 प्लस 1, 3। अब 2 और 3 तो इक्वल हो सकते, लेकिन रिफ्लेक्सिव वाले केस में होता क्या है कि अगर आपने a की वैल्यू 1 ली है तो जो नेक्स्ट बनेगी, मतलब आप राइट करोगे ना a a, a a का मीनिंग क्या है, a का मीनिंग है ये वाली तो a की वैल्यू है और ये वाली b की वैल्यू है, लेकिन b की वैल्यू भी यहां पर a ही है, ठीक है, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से किसी भी वैल्यू के लिए इस रिलेशन में a और b इक्वल नहीं आएंगे। आपने चेक भी कर लिया है 1 पर, 2 पर और चेक कर सकते हैं। अगर आप a की वैल्यू 2 लेते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो मतलब ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट्स, नॉट रिफ्लेक्सिव, व्हाई, ओके, a डज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, a हमारे पास बनता ही नहीं है, तो ये r से बिलोंग क्या करेगा, नहीं करेगा बिलोंग। ओके, तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाला केस। सेकंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ध्यान दो, हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए है, अगर a b
आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो, हल्की सी हम लोग टेबल बनाएंगे। यहां पर राइट करो वैल्यू ए की और यहां पर बी की वैल्यू राइट करो। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, रिलेशन कौन सा है, बी इक्वल टू ए प्लस वन। ओके, तो बी इक्वल टू ए प्लस वन यहां पर राइट कर लिया मैंने, ए प्लस वन। बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए प्लस वन है। ओके, तो मैंने क्या किया, ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो इनमें से, ए और बी की एज यू विश, आपकी च्वाइस है। मान लो ए की वैल्यू आपने वन ली, बी की वैल्यू टू रख लेते हैं। ओके, तो बी की वैल्यू हमारे पास टू है, तो यहां पर देखो बी इक्वल टू ए प्लस वन है। ओके, बी इक्वल टू ए प्लस वन है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू बन जाएगी, ए की वैल्यू क्या वन है, तो ये वन प्लस वन टू बन गई। ओके, ध्यान देना, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू ली है वन, ओके, और बी की वैल्यू ली है टू, ठीक है, फिर ये वाली बी, बी की वैल्यू टू है, उस रिलेशन में चेक किया मैंने, बी इक्वल टू ए प्लस वन है, ठीक है, बी इक्वल टू ए प्लस वन है, तो बी की वैल्यू ए प्लस वन, मतलब ए की वैल्यू यहां फिर की वन प्लस वन टू के इक्वल आ रही है। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, वन टू बिलोंग टू आर बन रहा है, ठीक है, तो वन टू बिलोंग टू आर क्यों बन रहा है, आप चेक कर सकते हो कि यहां पर जो हमारे पास बी इक्वल टू ए प्लस वन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, अब सेकंड केस लो, सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्या होगा, ये रिप्लेस कर देंगे, यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर बी चला जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए इक्वल टू बी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए सिमेट्रिक वाले केस में, राइट, तो हमने इन्हें रिप्लेस कर दिया, तो ए इक्वल टू बी प्लस वन आ गया। अब ये देखें आप लोग, यहां बी की वैल्यू फिल करो, बी की वैल्यू फिल करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, यस, बी की वैल्यू है टू, टू प्लस वन हो गया थ्री। ओके, तो क्या ये पॉसिबल हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू वन है और यहां पर ए की वैल्यू थ्री आ रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है, बट ए नॉट इक्वल टू बी प्लस वन, यहां पर राइट कर दो, हमने ऊपर चेक कर दिया इसे, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, राइट, तो क्या राइट करेंगे इसे, यहां राइट कर दो, वेदर ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ठीक है, सेकेंड केस के लिए क्या है, ए इक्वल टू बी, नो, ठीक है, इस केस में क्या है, जब आपने ए इक्वल टू बी प्लस वन रखा तो ए की वैल्यू बी प्लस वन के इक्वल नहीं आई। दोबारा देखो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है, ठीक है, बी की वैल्यू टू है, यहां टू फिल किया तो क्या आ गया, हमारे पास ए इक्वल टू थ्री आ गया, जबकि ए इक्वल टू वन आना चाहिए था। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास वन टू तो आर से बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन टू वन रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, सिमेट्रिक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट इसका क्या बनेगा, ध्यान दो, हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या होता है, हमें तीन नंबर चाहिए, थ्री नंबर चाहिए, तो थ्री नंबर में वन टू थ्री लेते हैं। ओके, तो लेट यस ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू थ्री रखते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग वन टू के बारे में देखेंगे, वन टू बिलोंग टू आर, ठीक है, वन टू बिलोंग टू आर में ये कंडीशन देखो क्या बनती है, ये कंडीशन बी इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास टू है, ठीक है, तो टू इक्वल टू ए यानी वन प्लस वन, ठीक है, तो ये तो ट्रू है, सेटिस्फाई करती है, तो ये बन जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर लेते हैं टू थ्री, टू थ्री के लिए क्या हो जाएगा, हाँ जी, बी की वैल्यू हमारे पास थ्री है, थ्री इक्वल टू ए प्लस वन, ए की वैल्यू है टू, टू प्लस वन, ये भी थ्री हो रहा है, ठीक है, टू इक्वल टू थ्री इक्वल थ्री आ रहा है, मतलब वन टू रिलेशन में है, रिलेशन से बिलोंग करते हैं,
टू थ्री भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ओके, अब आपने चेक क्या करना है, टू टू को हम लोग छोड़ देंगे, क्या रह गया हमारे पास वन थ्री। अब वन थ्री के बारे में देखो, ठीक है, वन थ्री के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर राइट कर लो नाउ फोर वन थ्री। हाँ जी, वन थ्री के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये ए सी है, ठीक है, यहां कंसिडर करेंगे इन्हें ए बी, ठीक है, तो b इक्वल टू ए प्लस वन, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री है। ओके, थ्री इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए प्लस वन, ए की वैल्यू वन है, वन प्लस वन, ठीक है, तो थ्री इक्वल टू क्या हुआ, थ्री इक्वल टू वन प्लस वन टू हुआ, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ए बी तो आर से बिलोंग करता है, बी सी भी आर से बिलोंग करता है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर ए सी आर से बिलोंग नहीं करता है तो रिलेशन क्या हुआ, ये हमारे पास नॉट ट्रांसिटिव हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लिसन मी अगेन, आपने क्या किया, इन नंबर्स में से कोई तीन नंबर ले लिए, कोई भी थ्री नंबर ले लो, उन पर आप चेक करो, जिस तरह वन टू लिए हैं, वन टू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये वाली, ठीक है, नेक्स्ट टू थ्री लिए, टू थ्री के लिए भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसके बाद आपने टू टू को छोड़कर वन थ्री पर चेक करना है, वन थ्री के लिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है, तो बी इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए, बी इक्वल टू ए प्लस वन क्या बनेगा, वन प्लस वन टू हुआ, मतलब इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वन थ्री रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। अगर वन थ्री रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है तो इट मीन्स ये रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं बात को रिपीट कर दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास होना चाहिए ए ए बिलोंग टू रिलेशन, और सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग टू रिलेशन, इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू रिलेशन, एंड फॉर ट्रांसिटिव ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांसिटिव है, देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, तो नेक्स्ट जो फर्दर सम है उनके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।